द्वारका पुलिस द्वारा बोगस दवा फेक्टरीनो पर्दाफाश करवामां आव्यो छे। एलसी शाखानी प्राथमिक पूछपरछमां मोटू कौभांड बहार आव्यु छे, जेमां आयुर्वेदिक दवा, बोगस रॉ मटीरियल प्रोडक्शन लाइसेंस जीएसटी, बोगस दस्तावेज अने बोगस आयुर्वेदिक दवानी फेक्टरी तमाम वस्तुओ देवभूमि द्वारका पुलिस द्वारा पकड़ी पाडवामां आवी हती। खंभाड़िया विस्तारना जोधपुरमांथी आयसर भरेल बोगस आयुर्वेदिक दवानो जत्थो मळी आव्यो छे। एसपी नीतीशकुमार पांडेनी देखरेख हेठळ आ अंगे वधु ઊંડાણ ભરી તપાસમાં આ ડુપ્લિકેટ ફેક્ટરીનો પર્દાફાશ થયો હતો। દ્વારકા જિલ્લા પોલીસે કામગીરી કરી જીવંત ઉદાહરણ પેશ કર્યું હતું। આ દરમિયાન 840 લીટર ઇથાઇલ કેમિકલ, રૂપિયા 84,000 તથા 1,00,000 નશાયુક્ત પાણીની બોટલ ઝડપાઈ છે। એલસી સ્ટાફના પીઆઈ કે ગોહિલની રાહબારી હેઠળ જાંબાજ પીએસઆઈ અને દ્વારકા પોલીસના પીએસઆઈ એનએન જોશી વગેરે દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી। અમારે માનનીય એચએમ સાહેબ કી जो एक सूचना वारंवार रहती है कि गुजरात में जो नशाबंदी का कायदा है उसका कड़काई से पालन हो, उसी के भाग रूप जो है जिला की जो पुलिस है वो भी इसमें समय सर इसके लिए ट्राई करती रहती है। इसी के भाग रूप हमारी एक एलसीबी की टीम जिसमें पीएसआई देमोरारी थे और एलसीबी का स्टाफ गत 26/7/2023 को नाइट पेट्रोलिंग के दरमियान एक शंकास्पद आइसर मिली थी और आइसर में से 4,000 जितनी जो है आयुर्वेदिक बोतलें मिली थी जिनको सीज किया। ये जो माल है ये एक स्थानिक चिराग भाई थुबाणी करके है जो कि माल भरत भाई नकुम से माल ये मंगवाता था खंभालिया और आसपास के एरिया में इसका वितरण करने के लिए। इसमें हमने फिर जानवर जोग दाखिल की, साइंटिफिक टेस्टिंग के लिए हमने सैम्पलिंग लेके मुद्दा माल का हमने एफएसएल भेजा और जो संबंधित अलग अलग जो कचहरियाँ हैं जैसे कि जीएसटी डिपार्टमेंट है, आबकारी विभाग है, उनसे हमने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाया। उसके आधार पे पता लगा कि इन्होंने बेसिकली ये जो आयात निकास कर रहे थे वो बोगस बिल के आधार पे कर रहे थे क्योंकि वो जीएसटी नंबर जो उन्होंने दिया वो है नहीं, बिना जो नेसेसरी जो परवानगी है उसके बिना ये लोग ये सारी प्रक्रिया कर रहे थे और ये आयात निकास उसके बिना कर रहे थे। इसी के आधार पे हमने 3 दिन पहले जो है आईपीसी की फॉर्जरी की अलग अलग कलमें जैसे कि 465 और प्रोहिबिशन एक्ट की अलग अलग कलमों के तहत एक गुनाह दाखिल किया जिसकी जो तपास है खंभालिया थाना इंचार्ज जोशी कर रहे हैं। उसमें उन्होंने हमने 3 आरोपियों का अब तक अटक किया है। मेन आरोपी भरत भाई नकुम का हमने 4 दिन का रिमांड लेके हमने इनकी जो 2 फैक्ट्रियां थी अहमदाबाद में चांगोदर बाजू उन पे रेड की और फिर वहां से हमने जो पूरी फैक्ट्री में जो मशीन है जो कि और भी वहां लगभग 3,000 जितनी हमें बोटल्स मिली और बाकी जो रॉ मटेरियल जिससे ये लोग ये आयुर्वेदिक मटेरियल बनाते थे वो हमने कब्जा किया। अब तक टोटल मुद्दा माल की जो वैल्यू है वो 25,00,000 जितनी होती है। इसमें बोटल्स की सिर्फ बोटल्स की कीमत 10,50,000 और मशीनरी की जो वैल्यू है वो जो है 4,00,000 जितनी होती है। ये एक टिपिकल जो इनका मशीन था वो आप देख सकते हैं कि एक सिंपल मॉडर्न डे मशीन है। इसके बारे में मैं भी आपको आगे डिटेल्स दूंगा। आपको पहले डिटेल्स देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जानकारी जो है ये आयुर्वेदिक बियर जो होता है उसके बारे में देना चाहूँगा। आयुर्वेदिक बियर का जो लेबल होगा बोतल का जनरली ये होता है और इसमें अलग अलग औषधियाँ ऊपर लिखी हुई रहती हैं। इसमें नीचे लिखा रहता है कि इसमें सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल जो कि 11% से ज़्यादा नहीं है इतना है। अब आयुर्वेदिक जो अल्कोहल जो है ये आयुर्वेदिक बियर जो है वो आयुर्वेदिक जो पद्धति होती है असरवा अरिष्टा उसके मार्फत अलग अलग जड़ी बूटियों को एक पूरे टेक्निकल प्रक्रिया के हिसाब से मिलाया जाता है और उसमें जो अल्कोहल है अंदर से ही जनरेट होता है, उसी प्रक्रिया में जनरेट होता है और जो कायदे के हिसाब से 12% से ज़्यादा नहीं हो सकता और फिर जो है इसको आयुर्वेदिक के हिसाब से अलग अलग जो रोग हैं उनके इलाज में इसका यूज़ किया जाता है। ये एक बहुत ही लंबी और जटिल प्रक्रिया है बट ये जो पूरी गैंग थी सिंडिकेट जो है वो बिल्कुल एक मॉडर्न प्रोसेस में जो मशीनरी को यूज़ करके जो रॉ मटेरियल्स हैं जिसमें मेन एथेनॉल, पानी, सिट्रस एसिड, आर्टिफिशियल स्वीट और अलग अलग फ्लेवर्स को मिला के ये लोग ये प्रक्रिया में आयुर्वेदिक बियर बनाते हैं। ये बिल्कुल जो आयुर्वेदिक की जो पद्धति है उसका मिसयूज है और जो हमारे लॉज हैं उसका मिसयूज है। इसमें फूड एंड ड्रग की जैसे 20
5D फॉर्म चाहिए होता है, आबकारी विभाग का SA1 SA2 लाइसेंस चाहिए होता है, वो इनके पास नहीं है, एक रजिस्टर्ड पेड़ी होनी चाहिए, वो भी नहीं थी। और ये लोग जो हैं इतना एक एंश्योर करते हैं कि एक बोतल में 10% से ज़्यादा अल्कोहल ना हो, ताकि कायदे का कहीं भी भंग ना हो। ये अल्कोहल बाहर से मिलाया जाता है, बट जो कि सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल है उसमें अंदर से ही उसकी प्रोसेस से ही अल्कोहल जनरेट होगी। हमने लगभग इसमें 840 लीटर जितना एथेनॉल पकड़ा, उसके आधार पर ये लोग जो है 17,000 जितनी जो है और बोतलें बना सकते थे, जिसकी मार्केट वैल्यू जो है 26 लाख जितनी होती। इसका जो मेन आरोपी है वो भरत भाई नकुम है, जो खुद एक एमटेक है अहमदाबाद से, और पिछले 6 सालों से ये धंधा कर रहे हैं। उन्होंने इस धंधा में जो संकड़ाला है बाकी लोग और इंटरनेट के मार्फत जो है ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है और कैसे इसको बनाया जा सकता है वो सीखा। और ये लोग क्या करते हैं, ये आदमी जो है ये सौराष्ट्र कच्छ और अहमदाबाद बाजू ये माल का वितरण करता था। ये लोग अपने कोई लोकल सप्लायर होता है उसको माल बेचते हैं, और जो फिर लोकल सप्लायर है वो इसको अलग अलग पान गल्ला पे बेचते हैं। आजकल इसका अब्यूज़ बढ़ रहा है। हमारे इतना भी ध्यान पे आया कि पिछले कुछ सालों में ये पीकर एक्सीडेंट्स भी हुए, तो इस हिसाब से हमने ये जो कार्रवाई है की है, और इसमें आगे की तपास चल रही है।